नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार की सुबह एक युवती के साथ खोराबाड़ थाना क्षेत्र में हुआ गैंग रेप। एसपी सिटी ने कहा, युवती की तहरीर के आधार पर मुकदमा किया गया है। पंजीकृत घटना में शामिल अभियुक्तों को हिरासत में लेकर की जा रही है विधिक कार्यवाही। कोतवाली थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर में खपरैल का जर्जर मकान गिरने से एक व्यक्ति की हुई मृत्यु, एक लड़की गंभीर रूप से हुई घायल। सीएम योगी ने घटना पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक व्यक्ति के परिजन को आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद के साथ घायल का समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। लड़की का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। मृतक व्यक्ति के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए, की जा रही है विधिक कार्यवाही। तिवारीपुर थाने पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पीस कमेटी व मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने वाले आयोजनकर्ताओं के साथ आगामी त्योहारों को लेकर की बैठक। शांति व सौहार्द पूर्वक त्योहार मनाने के दिए निर्देश। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय चेतना उत्सव दृष्टि 2047 विषयक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ। कहा, 3 दिनों तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रचनाओं और विचारों पर विभिन्न विद्वान प्रकट करेंगे अपने अपने विचार। पिपराइज थाने पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आगामी त्योहार के दृष्टिगत संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं व मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने वाले आयोजकों के साथ की बैठक। मूर्ति विसर्जन रूट का बाइक से लिया जायजा। त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने के दिए निर्देश। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्तों को तिवारीपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 चोरी की मोटरसाइकिल, 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। कोतवाली थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। अधिकतर मामले आए भूमि विवाद से संबंधित, समस्याओं के निस्तारण के लिए पुलिस व राजस्व विभाग की टीम बनाकर जांच कर निस्तारण के दिए गए निर्देश। शैलेन्द्रमणि त्रिपाठी का एचजेएस में हुआ चयन। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के कार्यकारिणी के सदस्यों ने किया सम्मानित। कहा, संपूर्ण न्याय सभी तक जिम्मेदारी से पहुँचाने का निर्वहन करने के लिए हमेशा रहूंगा प्रयासरत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के पूर्व संध्या पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में राजनीति विभाग द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता विषय पर व्याख्यान का किया गया आयोजन। उनके जीवन पर की गई चर्चा। और गोलघर प्रधान डाकघर में सुकन्या समृद्धि महोत्सव का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि कर्नल सीपी सिंह ने कहा, इस योजना के तहत 250 रुपए में 10 वर्ष तक बालिकाओं के खाता खोलकर पढ़ाई व शादी तक अच्छी रकम की किया जा सकता है व्यवस्था। अब खबरें विस्तार से। खोराबाड़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह एक युवती के साथ गैंग रेप किया गया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि गुरुवार को खोराबाड़ थाना क्षेत्र में प्रातः सूचना मिली कि एक लड़की के साथ गैंग रेप की घटना हुई है, जिसके बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर युवती का मेडिकल करवाया गया। युवती के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। घटना में शामिल अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, गोरखपुर के थाना खोराबाड़ क्षेत्र में कल प्रातः एक सूचना मिली कि एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना हुई है। उसके बाद तुरंत पुलिस ने मौके पर जाकर उस युवती को उसका मेडिकल कराया गया, अस्पताल में दाखिल कराया गया। उसके बयानों के आधार पर एवं तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद में और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोतवाली थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर में खपरैल का जर्जर मकान गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने बताया कि रात के लगभग 3 से 4 बजे के बीच एक खपरैल का जर्जर मकान गिर गया,
जिसमें एक व्यक्ति रजत उर्फ राजा पुत्र राम दुलारी की मृत्यु हो गई तथा रागिनी पुत्री जितेंद्र गौड़ गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसका इलाज करवाया जा रहा है। वहीं मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि जगन्नाथपुर में भवन गिरने के कारण हुई एक व्यक्ति की मृत्यु पर मुख्यमंत्री जी ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उक्त निर्देशों के अनुपालन में भवन गिरने के कारण मृतक व्यक्ति के परिजन को आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान किया गया है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि घटना में घायल लोगों का समुचित चिकित्सा किया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना होने पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पीड़ित के परिजन महिला एवं सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने कहा, हमारा निर्मला नाम है। हम लोग सोए थे 3:30 बजे, एक बैग बाहर आ गया हम लोग को, ऊपर छह मिला, छह लोग सोए थे। पहले से मकान जल जल था, पहले से जल जल था, थोड़ा थोड़ा मतलब था, इस खपड़ा मकान है तो हम लोग ये भी नहीं गिरेगा। अब थोड़ा 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 इसी एक बैग माटी उटी गिर रहा था तो हम लोग सोचे नहीं गिरेगा अभी, तो बनवा बनवा के छाव के हम लोग थे। फिर उसके बाद कल एक बैग बाहर आ गया, छह लोग तो एक्सपायर हो गए, छः लोग, 5 लोग घायल हैं। रजत नहीं, हमारे दीदी के लड़के हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगन्नाथपुर मोहल्ले में रात के लगभग 3:30 बजे 4 बजे के बीच एक जर्जर मकान था कपड़ेल का, वो गिर गया, जिससे उस परिवार उस मकान में रहने वाले किराएदार हैं रामदुलार, उनके परिवार के 5 लोग और रामदुलार सहित 6 लोग घायल हो गए, जिसमें से उनके लड़के रजत की जो है मृत्यु हो गई है। 5 लोगों का इलाज चल रहा है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने तिवारीपुर थाने पर पीस कमेटी व आयोजनकर्ताओं के आगामी त्यौहार को लेकर बैठक की, जिसके संबंध में SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि थाना तिवारीपुर पर पीस कमेटी व आयोजनकर्ताओं के साथ बैठक की गई है, जिसमें दुर्गा पूजा, रामलीला, विजयदशमी, 12 वफात, भरत मिलाप के आयोजन जो आने वाले दिनों में होने वाले हैं, जिसको सकुशल संपन्न कराने के लिए आयोजनकर्ताओं के साथ चर्चा की गई है। शासन द्वारा जारी निर्देशों से सभी को अवगत करवाया गया है कि वह परंपरागत रूप से जो आयोजन होते आ रहे हैं उन्हीं आयोजनकर्ताओं को अनुमति दी गई है, किसी को भी नई परंपरा शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है। जो भी त्यौहार मनाए जा रहे हैं पुलिस द्वारा भ्रमण करके सभी तरह के सूचनाओं को संकलित कर लिया गया है तथा यह भी जानकारी कर ली गई है कि दुर्गा प्रतिमाओं को कितने तारीख को स्थापित किया जाएगा व कितने तारीख तक विसर्जन किया जाएगा। सभी आयोजकों को निर्देश दिया गया है कि विसर्जन का जो रूट होता है उसी रोड पर ही जाकर मूर्ति को विसर्जन करेंगे,
तथा सभी थाना क्षेत्रों में इस संबंध में लगातार बैठक की जा रही है, जिससे कि त्योहार को सकुशल संपन्न कराया जा सके। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह, तिवारीपुर थाना प्रभारी महेंद्र नाथ मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, और उस एरिया के जो मुठबंदी है उनकी भी, ताकि एक समय निर्धारित हो जाए कब किसका जरूर निकलेगा और जो भी समस्या उसका तत्काल हल करा दिया जाए। पुरानी बातों को नहीं जाना चाहते, मैं आप सभी लोगों का ख्याल रखना चाहते हैं। मुठबंदियों का अध्यक्ष हूँ, बर्ड घाट का भरत मिलाप उसी दिन पड़ रहा है और 12 जनवरी को भी, क्योंकि घंटा घर पे मंच लगाया जाएगा। प्रशासन वहाँ मुतवल्ली को, और इसी के लिए मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई कि आपने वक्त की नजाकत को देखते हुए अपने बात। नागरिक, हमारे प्रिय मीडिया बंधु, पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारियों का मैं आज यहाँ पर स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज हम सभी लोग यहाँ पर आगामी त्योहारों को सकुशल, शांतिपूर्वक व सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सबकी वक्तव्यों को सुनने के बाद मुझे एक चीज का आश्वासन, और जिस संख्या में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक चीज का आश्वासन हुआ है कि यहाँ पर जो हमारा समाज है, विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि जो हैं, जो लोग हैं, वो सजग हैं और सशक्त हैं, और आने वाले दिनों में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। और ये इंश्योर करें कि इसको कोई भी उल्लंघन इसका ना हो। और ये हम सब लोग मानते हैं कि समाज में 95% 99% लोग जो होते हैं वो शांति चाहते हैं। कईयों का राजनीतिक इंटरेस्ट होता है, कोई लाभ राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, कोई अपनी व्यक्तिगत किसी के साथ पुरानी रंजिश को इसी समय में साधना चाहते हैं। तो मुझे लगता है हम सबको जरूरत है उन 2-4-5% लोगों को पहचानने की। हम सब जानते हैं वो हमारे समाज में रहते हैं, वो हमसे दूर नहीं है, हमारी आंखों से ओझल नहीं है। दिक्कत तब आती है जब हम जानते हुए, देखते हुए भी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तो अगर हम लोग सजग रहेंगे, आसपास हमारे क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग जानकारी करते रहेंगे, कुछ भी बात अगर संदिग्ध आती है, कुछ भी चीज अगर आपको संदिग्ध लगती है, तो प्रशासन के संज्ञान में लाए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपको बुलाने के तुरंत बाद नागरिकों की तरह बिहेव करना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। विसर्जन के स्थान पर जो निर्धारित स्थान है वहीं पर किया जाए। हेलो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल NGT, माननीय उच्च न्यायालय, कितनी दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित होनी है उसका आंकलन हमारे बीट कांस्टेबल्स ने, हल्का प्रभारियों ने जाकर के कर लिया है। पूरे जनपद में ये प्रयास चल रहा है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके लिए सजग तो रहना पड़ेगा, उसके लिए गतिविधियों पर नजर रखनी पड़ेगी। कानून में जो प्रावधान दिए गए हैं, समय समय पर शासन सरकार द्वारा जो गाइडलाइन बनाई गई है, बहुत सी गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा इसमें जारी किए गए हैं, वो सभी हम लोगों को जानकारी। देखिए, जनपद गोरखपुर के थाना तिवारीपुर में आज आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए पीस कमेटी व आयोजनकर्ता, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनकी यहाँ पर एक बैठक की गई है। विशेष रूप से नवरात्रि का त्यौहार, दुर्गा पूजा का त्यौहार, रामलीला, विजयदशमी, बारह वफाद, भरत मिलाप के जो आयोजन आने वाले दिनों में होने हैं, उसके संबंध में काफी चर्चा यहाँ पर की गई है। जो नियम है, जो कानून है, जो शासन द्वारा पारित किए गए निर्देश हैं, ऑनरेबल हाईकोर्ट, NGT और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो पारित किए गए निर्देश हैं, उन सभी का हम लोग इन त्योहारों को मनाते समय पालन करें। परंपरागत रूप से जो आयोजन होते आए हैं, उन्हीं आयोजनों को अनुमति दी गई है। कोई भी नई अनुमति, किसी भी तरह की परंपरा जो नए कोई शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए अनुमति नहीं दी गई है।
जो भी परंपरागत रूप से त्योहार मनाए जाते हैं उस सभी सूचनाओं का संकलन पुलिस द्वारा स्थानीय भ्रमण करके स्थलीय निरीक्षण करके कर लिया गया है। विशेष रूप से जो हमारे दुर्गा प्रतिमाओं की जो स्थापना होनी है, किस तारीख को होनी है, कहाँ होनी है, क्या उसका निर्धारित स्थान है, उस बारे में भी जानकारी ले ली गई है। इसके साथ साथ दुर्गा पंडालों की जो सुरक्षा है, कैसे आयोजकों को उसको सुनिश्चित करना है, उसके बारे में भी निर्देश दिए गए हैं। विसर्जन से संबंधित जो हमारे रूट हैं, उन रूट पर प्रशासनिक पुलिस और पुलिस अधिकारी और साथ आयोजकों के साथ स्थलीय भ्रमण करने के निर्देश दिए गए हैं। जो पारंपरिक रूप से जो रूट यूज होता है उसी का इस्तेमाल किया जाए, उसमें कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, और विसर्जन के जो स्थान है वहाँ की सुरक्षा, वहाँ के जो नियम है उनकी पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। लगातार ये बैठकें कई दिनों से सभी थाना क्षेत्रों में हो रही हैं। आज ये बैठक थाना पिपराइच पर और थाना तिवारीपुर पर मेरे द्वारा स्वयं की गई है। जिस तरह का रिस्पॉन्स है, जिस तरह का समन्वय जनता के आम नागरिकों के साथ, सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ, धार्मिक प्रतिनिधियों के साथ जो हमारा बना है, मुझे पूरी आशा ही नहीं विश्वास है कि आने वाले दिनों में जनपद गोरखपुर के सभी थाना क्षेत्रों में सभी त्यौहार बड़े ही शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाएंगे और एक अमन और चैन का और शांति का जो संदेश हमेशा से जनपद से जाता रहा है, आने वाले दिनों में भी इन त्योहारों के माध्यम से गोरखपुर से ये संदेश पूरी प्रदेश, देश और दुनिया में जाएगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला एवं कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह पुष्प अर्पित करने के उपरांत उनके जयंती पर गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय चेतना उत्सव दृष्टि 2047 विषयक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का दीप प्रज्वलित तथा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय के रचनाओं और विचारों पर विभिन्न विद्वान अपना विचार प्रकट करेंगे और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर मंथन किया गया। उद्घाटन समारोह के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, RSS के पृथ्वीराज सिंह सहित अन्य प्रोफेसर एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, अभी हम लोग नीचे भी जाएंगे, एक फोटो ना नारा लगवा दिया गया था।
और इसी कारण उन्होंने
उन्होंने रात में मिलते वक्त अक्सर चालक और बाद में भारतीय जनसंघ की स्थापना के लिए उनको तारीफ किया था। पर किसी इंडिया के अपने विचारों को रखने के लिए एलोपोलिक कलन का प्रयोग करते हैं, इससे मल्टीपल इंडिया का प्रयोग पश्चिमी विचारकों ने भी किया है, लेकिन उन्होंने विभाजन के लिए किया है। दीनदयाल ने चतुष्टय का प्रयोग किया है, लेकिन इसके माध्यम से वह समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ हम सभी जानते हैं ज्ञान शक्ति संपत्ति और सेवा का समन्वय करते हुए चार वर्ण के चार आश्रम और फिर चार पुरुषार्थ की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था एक या व्यवस्था बन जाए उस पर विचार किया जा सकता है। दीन दयाल जी का मानना था दो लोगों की प्रवृत्ति में आता है, प्रवृत्ति खराब होने से व्यवस्था का पालन ठीक तरह से नहीं हो पाता। देखिए, पहले तो मैं गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को इसके लिए साधुवाद देना चाहूँगा, श्री राजेश सिंह जी को, जिन्होंने पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी दीनदयाल जी के ऊपर एक सेमिनार को रख कर करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय के नाम को भेजने का काम किया। दीनदयाल जी की जयंती तो ऐसे कल है, लेकिन 24, 25, 26 इन तीन दिवसीय सेमिनार रखा गया है, जिसमें विभिन्न विद्वान भी अपने विचार प्रकट करेंगे, उनकी विभिन्न रचनाओं पर और विचारों पर। हम सब लोग आज उसी क्रम में आए हुए हैं। आज ही इसका उद्घाटन सत्र है और इस उद्घाटन सत्र के बाद विभिन्न वक्ता अपने अपने विचारों को रखेंगे। मुझे लगता है कि दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और ये श्री नरेंद्र सिंह जी उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब ये नामकरण आया था। उस समय मैं भी ग्राम विकास मंत्री के नाते था और अनेक स्थानों पर दीनदयाल जी के वैचारिक दृष्टि से पहचान की बात आई थी जो जरूरी था। तो उसी क्रम में आज हम लोग कुलपति जी के सौजन्य से यहाँ आए हुए हैं और आकर के आज इसका उद्घाटन होगा और दीनदयाल जी के विचारों पर पूरी तौर पर मंथन होगा और उस मंथन के बाद जो अमृत मिलेगा तो उसको पुस्तकीय रूप भी दिया जा सकता है या उसको पेपर के द्वारा भी किया जा सकता है। यही आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत का थीम है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आगामी त्योहार के दृष्टिगत पिपराइज थाने पर आयोजनकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आगामी त्योहार दशहरा दुर्गा पूजा के दृष्टिगत थाना क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों धर्मगुरुओं व मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने वाले आयोजकों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी आयोजनकर्ताओं से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की तथा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट व टिप्पणी न करने के लिए युवकों को समझाने के लिए कहा तथा अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी। किसी भी स्थिति में तत्काल थाने पर सूचना देने के लिए निर्देशित भी किया। उन्होंने पिपराइज थाना क्षेत्र में प्रतिमा विसर्जन के रूट का बाइक से विसर्जन स्थल का मौके पर जाकर निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस अवसर पर पिपराइज थाना प्रभारी सूरज सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। शुक्रवार की सुबह एक युवती के साथ खोराबाड़ थाना क्षेत्र में हुआ गैंगरेप। एसपी सिटी ने कहा, युवती की तहरीर के आधार पर मुकदमा किया गया है। पंजीकृत घटना में शामिल अभियुक्तों को हिरासत में लेकर की जा रही है विधिक कार्यवाही। कोतवाली थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर में खपरैल का जर्जर मकान गिरने से एक व्यक्ति की हुई मृत्यु, एक लड़की गंभीर रूप से हुई घायल। सीएम योगी ने घटना पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक व्यक्ति के परिजन को आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद के साथ घायल का समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। लड़की का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। मृतक व्यक्ति के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए, की जा रही है विधिक कार्यवाही। तिवारीपुर थाने पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पीस कमिटी व मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने वाले आयोजनकर्ताओं के साथ आगामी त्योहारों को लेकर की बैठक। शांति व सौहार्द पूर्वक त्योहार मनाने के दिए निर्देश। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय चेतना उत्सव दृष्टि 2047 विषयक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ। कहा, 3 दिनों तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रचनाओं और विचारों पर विभिन्न विद्वान प्रकट करेंगे अपने अपने विचार। पिपराइज थाने पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आगामी त्योहार के दृष्टिगत संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं व मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने वाले आयोजकों के साथ की बैठक। मूर्ति विसर्जन रूट का बाइक से लिया जायजा। त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने के दिए निर्देश। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्तों को तिवारीपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 चोरी की मोटरसाइकिल, 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। कोतवाली थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। अधिकतर मामले आए भूमि विवाद से संबंधित, समस्याओं के निस्तारण के लिए पुलिस व राजस्व विभाग की टीम बनाकर जांच कर निस्तारण के दिए गए निर्देश। सैलेन मणि त्रिपाठी का एचजेएस में हुआ चयन। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के कार्यकारिणी के सदस्यों ने किया सम्मानित। कहा, संपूर्ण न्याय सभी तक जिम्मेदारी से पहुँचाने का निर्वहन करने के लिए हमेशा रहूंगा प्रयासरत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के पूर्व संध्या पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में राजनीति विभाग द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता विषय पर व्याख्यान का किया गया आयोजन। उनके जीवन पर की गई चर्चा। और गोलघर प्रधान डाकघर में सुकन्या समृद्धि महोत्सव का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि कर्नल सीपी सिंह ने कहा, इस योजना के तहत 250 रुपए में 10 वर्ष तक बालिकाओं के खाता खोलकर पढ़ाई व शादी तक अच्छी रकम की किया जा सकता है व्यवस्था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तिवारीपुर थाने की पुलिस ने 2 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में तिवारीपुर थाना प्रभारी महेंद्र नाथ मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान कुंदन चौधरी पुत्र इंद्रदेव चौधरी, हाल मुकाम सूर्य बिहार कॉलोनी थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, मूल पता पिपरा कोटी थाना गगहा जनपद पंडित चंपारण बिहार, दूसरा रवि उर्फ योगेश नंदन लाल हरिजन पुत्र नरेंद्र लाल हरिजन निवासी EWS 244 सूर्य विहार कॉलोनी निकट पानी की टंकी थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी की 1 मोटरसाइकिल, 1 देसी तमंचा, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। तिवारीपुर थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में तिवारीपुर थाना प्रभारी महेंद्र नाथ मिश्रा, सूर्यविहार चौकी प्रभारी अवधेश चंद्र मिश्र, उप निरीक्षक धर्मेंद्र सोनी, कांस्टेबल अशोक कुमार शाहनी, धनंजय पांडे, अंजनी कुमार शामिल रहे।
कोतवाली थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने बताया कि जनपद में पहले और तीसरे शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें अधिकतर मामले भूमि विवाद से संबंधित आए थे, जिसमें पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि थाना समाधान दिवस काफी कारगर साबित हो रहा है। कुछ मामले जो कि दीवानी से संबंधित आए थे, ऐसे मामले भी आ रहे हैं, ऐसे मामलों की दीवानी से ही निस्तारण होगा, ऐसा लोगों को बताया जा रहा है। इस अवसर पर कोतवाली थाना प्रभारी अजय कुमार मौर्य सहित अन्य पुलिसकर्मी और फरियादी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह ने कहा, एप्लीकेशन है इसके पास है सर, उनसे पूछ लीजिए, एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं। समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, किस तरह के मामले? थाना समाधान दिवस जैसा कि सभी जानते हैं पहले और तीसरे शनिवार को आयोजित होता है, आज भी चल रहा है थाना दिवस। थाना दिवस में ज़्यादातर छोटे छोटे ज़मीनी झगड़े के मामले आ रहे हैं, जिसका जो राजस्व की टीम और पुलिस की टीम मिलकर के संयुक्त रूप से समाधान करती है। आज अभी प्रार्थना पत्र आ रहे हैं, अभी डेटा समाधान दिवस समाप्त होने के बाद अंतिम रूप से बताया जा सकता है। दरअसल लोगों की अपेक्षाएं पुलिस और राजस्व से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, दीवानी संबंधी मामले को भी वो लोग चाहते हैं कि पुलिस और राजस्व की टीम समाधान करे, जो संभव नहीं हो पा रहा है। जहां तक राजस्व और पुलिस से संबंधित है, उन सबका समाधान किया जा रहा है। शनिवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के सभागार में प्रेस क्लब कार्यकारिणी के सदस्यों ने SJS में चयनित होने वाले शैलेन मंदिर त्रिपाठी का माल्यार्पण कर अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में SJS में चयनित शैलेन मणि त्रिपाठी ने बताया कि संपूर्ण न्याय सभी तक जिम्मेदारी से पहुंचाने का निर्वहन करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय ना मिल जाए तब तक अन्याय होने की तड़प मेरे अंदर बनी रहेगी, यही प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा, इस कामयाबी का इसने अपने पिताजी को दूंगा जो वकालत सिखाए। उन्होंने विश्वास रखा है कि मैं वकालत कर सकता हूं और एक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता हूं। मेरे ऊपर पूरे परिवार का सहयोग रहा है। इस अवसर पर गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी, मंत्री मनोज यादव, कार्यकारी सदस्य अंगद प्रजापति, दीपक त्रिपाठी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SJS में चयनित शैलेन मणि त्रिपाठी ने कहा, उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ता है, उस समाज के सबसे ताकतवर जो उसको सताया जाता है, उसी तरह यह जो न्याय विभाग है तो कहता है चलो तुमको कोर्ट में देखेंगे, आओ न्यायालय में वही मुलाकात होगी, वही तुमसे निपटेंगे। गोरखपुर की पहचान बन चुका, सम्मान बन चुका, तेरा कोटा रोजगार की दिशा में बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहा है। प्रतीक ईश्वर की अनुकंपा सदैव बनी रहे, इसी उद्देश्य से हम लोग को अपार भारत हुआ, बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई है। आज आप लोगों ने यहाँ मतदान करके हम लोग की खुशी को और बढ़ा दिया है। आप लोगों ने जो सम्मान दिया है उससे हम बहुत अभिभूत हैं और हम आप लोग का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आप लोगों ने हम लोग को यहाँ मतदान किया, इतना सम्मान दिया। आप लोग के जो जुडूल है, जो कार्यशैली है, काफ़ी पहले बहुत कम समाचार के हाथों तक जा पाते थे, कल्पों तक बहुत कम जा पाते थे, लेकिन आप लोगों के परिश्रम से हर घर, गांव गांव, दूर जगहों पर भी
पूरे देश की, विश्व की, समाज की, हर तरह की खबरें पहुंचती हैं और आप लोग भारत के संविधान के अनुसार जो तीन पाठ किए गए हैं, चौथा स्तंभ आप लोग हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोग के ऊपर रहती है और आप लोगों की कृपा से ही जो मजलूम है, जिनको न्याय नहीं मिल पाता है, जो सताए हुए लोग हैं, वो भी बड़ी निर्भीकता से अपनी बात कह देते हैं। वर्ष 2014 गोरखपुर दीवानी न्यायालय से एक मुकदमा मैंने लड़ा था और अनफॉर्चुनेट उस मुकदमे को मैं हार गया था। उसमें तीन पक्ष वादी जो था उसके वकील थे और उसको न्याय नहीं दिला पाए थे, वो तरफ थी और मेरा क्लाइंट इस लायक नहीं था कि वो अपील कर सके। कैंपियर गंज का रहने वाला था, प्रॉपर्टी का विवाद था, लोगों ने प्रॉपर्टी हड़प लिया और वो मुकदमा हम हार चुके थे। वर्ष 2014 में प्रेस क्लब के सामने ही खड़े थे और तय कर रहे थे कि यहाँ से काउंधार की तरफ जाए या जिला चिकित्सालय की तरफ जाए। नीचे ही कोई पत्रकार बंधु मिल गए थे, हमसे उदास देखे, वकील साहब बड़े उदास से हैं, अंदर बुला लिए, ये बिल्डिंग उस समय इतनी नहीं बनी हुई थी, छोटी सी थी, बनने की कड़ी में निर्माण शायद शुरू हो चुका था, तो उस समय वो बिल्डिंग थी ऐसी 14 दीवार का, तो हमें अंदर बुलाए, बात किए, उसके बाद उन्होंने कहा 2-4 घंटा समय दीजिए और आपसे मैं फीस भी नहीं लूँगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए फीस होती है वो मैं अपनी तरफ से जमा कर दूँगा, बस आप बोल दीजिएगा। तो मेरा फ्रेंड साथ में ही था, लगभग 2-2.5 बजे के आसपास सब लोग एकत्रित हुए और उसको खूब अपनी पूरी भड़ास न्याय के प्रति सब निकाल दिया। वो छपा, ऐसा छपा कि हाई कोर्ट ने उस पर स्वतः संज्ञान ले लिया और उसके बाद वो मामला हाई कोर्ट तक चला और निश्चित रूप से 2015 के जाते जाते अंत तक उस क्लाइंट को उसकी जमीन मिली और ये निर्णय लिया कि आप एफिडेविट दाखिल करें SSP साहब की आपने अनुपालन करा दिया है। तो ये जो लड़ाई हम अकेले नहीं जीत पाए थे वो इसी प्रेस क्लब यहीं से शुरू हुई और आप लोगों ने उसको जीता दिया, तो इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद। जहाँ तक परीक्षा की तैयारी का संबंध है, प्रैक्टिस में रम चुके थे, पापा जी से ही वकालत सीखे, लेकिन पापा जी क्रिमिनल लॉ की वकालत करते थे और क्रिमिनल लॉ हमें ठीक नहीं लगता था, तो बहुत कुछ मारपीट वाले मुकदमे मेरी समझ के बाहर थे, प्रॉपर्टी वाला ठीक लगता था। तो अपने ससुर जी से हमने, जो सिविल के वकील हैं श्री लक्ष्मीकांत उपाध्याय जी, उनसे कुछ हमने सिविल को सीखा। फिर उसके बाद अंदर से एक इच्छा आती थी कि न्याय हो नहीं रहा है और न्याय हम करवाना चाह रहे हैं लेकिन वो तड़प रह जा रही है, पूर्ण न्याय नहीं हो रहा है। तो ये प्रेरणा कहीं ना कहीं हमको मिली कि जुडिशियल सर्विस के लिए तैयारी किया जाए। बड़ा हर्ष का विषय है, बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और साथ में जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है कि संपूर्ण न्याय, अभीष्ट न्याय सभी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी यहाँ पे मुझे प्रकट दिखाई दे रही है, जिसके निर्वहन के लिए सदैव प्रयासरत रहना मेरा प्रण है और उसको करूँगा। समाज के लिए क्या आपकी प्रतिबद्धता? समाज के प्रति हमेशा से मेरा दृष्टिकोण उनके साथ रहा है जो बड़े पीड़ित रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में 19 साल तक काम करने में हर उस व्यक्ति के दर्द को मैंने महसूस किया है जो न्याय के लिए भटकता और तड़पता है। तो उन व्यक्तियों की कड़ी में जब तक इस समाज के अंतिम व्यक्ति तक को न्याय न मिल जाए तब तक वो न्याय की तड़प मेरे अंदर बनी रहे, यही इच्छा मेरी एक न्यायाधीश के रूप में होगी। निश्चित रूप से पापा जी को है, जो वकालत सिखाए, बारीकियां सिखाए और जिन्होंने इतना विश्वास रखा कि मैं वकालत कर सकता हूं और एक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता हूं। बाकी परीक्षा के दौरान जो भी सहयोग होता है पढ़ाई में या घर की जिम्मेदारियों, मेरी पत्नी ने उठाया तो पत्नी का भी बहुत बहुत सहयोग मिला। मम्मी का सहयोग इस रूप में मिला कि उन्होंने हमेशा से ही ये तड़प जाहिर किया था कि एक न्याय व्यवस्था में एक न्यायाधीश बनने समुचित न्याय देने के लिए पर्याप्त होगा, पूरे परिवार का ही सहयोग रहा है। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के पूर्व संध्या पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता विषय पर
विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीतिक विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर अमित कुमार उपाध्याय ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यह स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करता है जिसके केंद्र में मानव है। एकात्म मानव दर्शन का उद्देश्य व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकता को संतुलित करते हुए प्रत्येक मानव को गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है और समाज के निचले स्तर पर स्थित व्यक्ति के जीवन में सुधार करना है। वर्तमान समय में केंद्र एवं राज्य सरकारें उनके विचारों को केंद्र में रखकर कार्य कर रही हैं। अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं उनके विचारों से प्रेरित और उनके दर्शन के महत्व को बताती हैं। इस अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की डॉक्टर प्रियंका सिंह, इंद्रेश कुमार, डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, डॉक्टर अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर आरपी यादव, डॉक्टर पवन कुमार पांडे, डॉक्टर शुभ्रांशु सिंह, राकेश कुमार, अंकित पांडे सहित छात्र व छात्राएं उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओपी सिंह ने कहा, तो इस प्रकार से देखा जाए कि जो एकांत मानववाद है उनमें वननेस का बोध नहीं होता, उसमें कहीं फीलिंग ऑफ लव नहीं होता। वो सिर्फ राष्ट्र का मतलब यह है कि राष्ट्रवाद जो है वो राष्ट्र के प्रति समर्पण, लेकिन कहीं उसमें फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ अफेक्शन, ये कहीं उसमें चर्चा नहीं होती। लेकिन दीनदयाल का यह मानना है कि हमें अपने विचारों से पूरे राष्ट्र के लिए आपस में मेल जोल बढ़ाकर सभी को एक समझकर समानता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण अपने हृदय से अगर हम करते हैं तो यही राष्ट्रवाद है। और इसी को चित्ति शब्द से उन्होंने उद्बोधन, जो चित्ति का कॉन्सेप्ट है, जो कहा गया है कि पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णार्थ पूर्ण पंचायते पूर्णश्च पूर्ण मदाय पूर्णमेव वशिष्यते, अर्थात चारों प्रसाद एक है और चारों प्रसाद से चित्त का निर्माण होता है और उस चित्त के कारण ही, चित्त के कारण ही राष्ट्र का निर्माण होता है। तो आप देखिए कैसे एकांत मानववाद का कॉन्सेप्ट दीनदयाल जी कहां से, यानी सोल बॉडी माइंड इंटेलेक्ट चार जो तत्व होते हैं उनमें एक रूपता स्थापित करते हुए सभी व्यक्तियों को एक बताया, उनमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे वो किसी धर्म का हो किसी जाति का हो, सभी एक है क्योंकि सभी में सोल कॉमन होता है। प्लेटो की तरह से सोल को डिफ्रेंशिएट नहीं किया उन्होंने और उसी के आधार पर चार पुरुषार्थों की चर्चा की, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और बताया कि जो भारतीय संस्कृति है वो धर्म और मोक्ष पर मूलतः जोड़ देती है। इसी के आधार पर राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि हमारी संस्कृति कहीं न कहीं फीलिंग ऑफ लव, यानी हम आपस में एक हैं, हम सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हमारे बीच कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कोई हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं है। और इस प्रकार से जब राष्ट्र के प्रति स्वतः प्रेरित समर्पण या प्रेम उत्पन्न होता है तब आप राष्ट्रवादी होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा महाविद्यालय एक उत्सव धर्मी महाविद्यालय है, इसमें विशिष्ट व्याख्यान सेमिनार और इस प्रकार के एकेडमिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं। कल एक ऐसे महामानव की जन्म जयंती है जिनके विचारों के आधार पर आज देश के विभिन्न राज्यों में और केंद्र में सरकार चल रही है। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कल रविवार होने की वजह से आज उनके जयंती की पूर्व संध्या पर एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया है जिसमें प्रोफेसर अमित उपाध्याय जी, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक हैं, और डॉक्टर के पाठक जी, ये दो लोग हमारे बीच विशिष्ट व्याख्याता हैं जिनके विचारों को हमारे विद्यार्थी सुन रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधान डाकघर गोलघर में सुकन्या समृद्धि महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे नगर निगम के परिवर्तन दल के कर्नल सीपी सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कर्नल सीपी सिंह ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 250 रुपए में 10 वर्ष तक की बालिकाओं का खाता डाकघर में खोला जा सकता है। इस योजना के माध्यम से छोटा निवेश करके अपनी बच्ची की पढ़ाई और शादी के लिए एक अच्छी रकम की व्यवस्था कर बच्ची का भविष्य संवारा जा सकता है, जिसका लाभ बच्चों के बड़े
बड़े होने पर मिलता है। यह सरकार की बेटियों के लिए बहुत अच्छी योजना है जिसका सभी लोगों को लाभ लेना चाहिए। इस अवसर पर प्रधान डाकघर के पोस्टमास्टर विनय वाछड़े, सहायक पोस्टमास्टर आनंद सिंह, संजय त्रिपाठी, नीरज गुप्ता और वेद प्रकाश यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर निगम प्रवर्तन दल के कर्नल सीपी सिंह ने कहा, वर्ष की आयु होने तक भारतवर्ष में किसी भी निकटतम डाकघर में या सरकारी बैंक में जाकर के योजना का शुभारंभ कर सकता है, उस बालिका के नाम से खाता खुलवा सकते हैं। मात्र 250 रुपए 250 रुपए मात्र से खाता खोला जा सकता है। उसके लिए आवश्यकता मात्र बालिका की जन्म प्रमाण पत्र की है और उसके अभिभावक या लीगल गार्जियन उनके अधिवास प्रमाण पत्र की, पहचान प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च के क्लोजिंग ईयर्स में इसका जो निवेश का सीमांकन किया गया है मिनिमम 1,000 रुपए और मैक्सिमम 1,50,000 रुपए इसके बीच निवेश किया जा सकता है। ये स्कीम ऐसी है जो बहुत कम निवेश करके अच्छा, जैसे 1,000 रुपए प्रति माह का अगर एवरेज निवेश कर दें तो लगभग 5,38,000 या 5,44,000 लगभग पूरा अमाउंट 21 साल की उम्र में उसको मिल सकता है। बड़े निवेशक के लिए तो बहुत ही अच्छी योजना है। मैंने कई एग्जाम्पल देखे हैं, हम लोग जब जाते हैं क्षेत्र में कि लोग 1,50,000 रुपए 1 अप्रैल को डिपॉजिट कर देते हैं और आप समझिए उनको कम से कम 67 से 68 लाख रुपए मैच्योरिटी पर मिलेगा। बहुत ये बच्ची आगे चल के पुलिस ऑफिसर बने। माता पिता और अभिभावकों का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। लाभ देने का मन बनाया है अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार की इस योजना से जुड़े हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम बालिकाओं के लिए हो रहा है, जो छोटी नन्ही नन्ही जो बालिकाएं हैं, बच्चे हैं। एक्चुअली ये कार्यक्रम है सुकन्या समृद्धि महोत्सव, एक अपना यहाँ का जो हमारा गोरखपुर शहर का जो हेड पोस्ट ऑफिस है उसके जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट मास्टर हैं मिस्टर मनीष कुमार जी और हेड जो पोस्ट ऑफिसर हैं हेड पोस्ट मास्टर श्री विनय कुमार वैष्णव जी और इनके जो पीआरओ हैं संजय कुमार राय जी, इन्होंने कल बड़ी शॉर्ट नोटिस पे मेरे भी बड़े व्यस्त कार्यक्रम रहते हैं तो इन्होंने कल हमें रात में सूचित किया कि सर एक बहुत बड़ा आयोजन हम लोग कर रहे हैं, सुकन्या समृद्ध महोत्सव मना रहे हैं। तो मेरा भी बड़ा अच्छा लगा कि हमें अपने इस प्रोग्राम में इन्वाइट हमें कर रहे हैं। रीज़न क्या था कि जैसे वर्ड वाया सुकन्या समृद्धि महोत्सव, तो चूँकि मैंने भी अपनी पोती के लिए ये स्कीम ली है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आज हमें आप बुला रहे हैं तो मैं ज़रूर उसमें शिरकत करूँगा। मेरे आज काफ़ी एनकोचमेंट के कार्यक्रम थे, मैंने सुबह हासूपुर में था वो छोड़ के और इनके लिए मैंने अपना समय निकाला। समय इसलिए निकाला, मेरा खुद का भी लगाव था कि बच्चों का कार्यक्रम है एंड मेरे को आना चाहिए। आज यहाँ आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है, ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं कि हमारे साथ एक बच्चा हैं, इसमें ये बालिकाएँ हैं, उसमें एक सायरा बानु बच्ची है, एक मानवी त्रिपाठी जी हैं। जब इनसे मैं मिला इनको तो पता नहीं बट इनको ये पता है कि ये जो पैसा जो हमारे लिए लगाया जा रहा है वो आगे चल के हमारे
भविष्य में काम आएगा। तो एक से एक बच्ची से त्रिपाठी से पूछा मानवी से कि बच्चा तू क्या बनेगा, वो बेटा बोला साहब मेरे को पुलिस ऑफिसर बनना है। तो बड़ा प्रसन्न होता है कि ये बच्चे को अभी से पता है कि मेरे माँ बाप जिन्होंने अपना बमूल पैसा हमारे लिए लगा रहे हैं ये आगे चल के बहुत काम आएगा। दूसरी एक बच्ची थी सायरा बानू, मैंने उससे पूछा बेटा ये जो तुम्हें स्कीम तुम्हारे माँ बाप ने ली है आप क्या बनोगी, बोलती मैं डॉक्टर बनूंगी। तो ऐसे जो इनके हम पहली चीज़ तो इनके माँ बाप को मैं बहुत बहुत उनका आभार जताऊंगा कि जो इन्होंने ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम ली और जैसा अभियान चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है और माता पिता रुचि लेके अपनी बालिकाओं के लिए। और आपको ये हम बताना चाहेंगे कि ये जो बालिकाएँ हैं यही भविष्य हैं देश की, इन्हीं और ख़ासतौर से कन्याएँ, कन्याएं के प्रति बहुत हम लोग को अपार प्रेम होना चाहिए, बहुत इनको इतना प्यार करना चाहिए, ये शुद्ध रूप से देवी हैं। अभी देवियों को अभी आगे नवरात्रे आने वाले हैं, हम लोग सिर्फ 9 दिन देवियों की इज्जत करते हैं, इसके बाद भूल जाते हैं कि ये देवी हैं क्या हैं। हमारा एक ही है मेन चीज़ है आपकी बालिकाएँ, बालिकाएँ हर रूप में हैं, आगे चल के वो कभी पत्नी बनेंगी, फिर माँ बनेंगी, फिर वो दादी बनेंगी, फिर नानी बनेंगी, तरह तरह के रूप इनके हैं। तो इनको बहुत प्यार करना चाहिए, इनके लिए जितना हम कर सकें वो हमें करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। शुक्रवार की सुबह एक युवती के साथ खोराबाड़ थाना क्षेत्र में हुआ गैंगरेप, एसपी सिटी ने कहा युवती की तहरीर के आधार पर मुकदमा किया गया है, पंजीकृत घटना में शामिल अभियुक्तों को हिरासत में लेकर की जा रही है विधिक कार्यवाही। कोतवाली थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर में खपरैल का जर्जर मकान गिरने से एक व्यक्ति की हुई मृत्यु, एक लड़की गंभीर रूप से हुई घायल। सीएम योगी ने घटना पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक व्यक्ति के परिजन को आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद के साथ घायल का समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। लड़की का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज, मृतक व्यक्ति के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए, की जा रही है विधिक कार्यवाही। तिवारीपुर थाने पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पीस कमेटी व मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने वाले आयोजनकर्ताओं के साथ आगामी त्योहारों को लेकर की बैठक, शांति व सौहार्द पूर्वक त्योहार मनाने के दिए निर्देश। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय चेतना उत्सव दृष्टि 2047 विषयक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ। कहा 3 दिनों तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रचनाओं और विचारों पर विभिन्न विद्वान प्रकट करेंगे अपने अपने विचार। पिपराइज थाने पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आगामी त्योहार के दृष्टिगत संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं व मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने वाले आयोजकों के साथ की बैठक, मूर्ति विसर्जन रूट का बाइक से लिया जायजा, त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने के दिए निर्देश। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्तों को तिवारीपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। कोतवाली थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन, अधिकतर मामले आए भूमि विवाद से संबंधित, समस्याओं के निस्तारण के लिए पुलिस व राजस्व विभाग की टीम बनाकर जांच कर निस्तारण के दिए गए निर्देश। शैलेन्द्रमणि त्रिपाठी का एचजेएस में हुआ चयन, गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के कार्यकारिणी के सदस्यों ने किया सम्मानित। कहा संपूर्ण न्याय सभी तक जिम्मेदारी से पहुँचाने का निर्वहन करने के लिए हमेशा रहूंगा प्रयासरत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के पूर्व संध्या पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में राजनीति विभाग द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता विषय पर व्याख्यान का किया गया आयोजन, उनके जीवन पर की गई चर्चा। और गोलघर प्रधान डाकघर में सुकन्या समृद्धि महोत्सव का किया गया आयोजन, मुख्य अतिथि कर्नल सीपी सिंह ने कहा इस योजना के तहत 250 रुपए में 10 वर्ष तक बालिकाओं के खाता खोलकर पढ़ाई व शादी तक अच्छी रकम की किया जा सकता है व्यवस्था। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।